भीतरे भीतरे माल खाता आ दीदिया के धर के नाता। जानो कि पवन सिंह का गाना तो ये गाना तो वो गाना। अरे भैया तुम जिसका नाम ले रहे हो ना उनको गोर छुआवे का आदत हो समझ। नोट फेंक रहे थे। अच्छा, सब कुछ का एक तरीका होता है, एक मंच की गरिमा होती है। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, हम है एक्टर समीर चौधरी। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, और हम है विशाल सिंह चौहान। आज काहे लाए हैं भैया? आज हम आए हैं भैया भीतरे भीतरे माल खाता आ दीदिया के धर के नाता। जानो का लगा ले काहे खाते? एगो गायक है स्टेजवा पे हले कहे थे कि हम अक्षरा सिंह की दीदी कहे। अच्छा। ऐसे ऐसे गायक जो झंडू छाप आए जे कोनो चिंता है तोरा? कौन चिंता है? तुम अगला को फोन करके बोलते हो कि इंटरव्यू मेरा लीजिए, मेरा इंटरव्यू चला। इंटरव्यू से तुम चमक रहे हो जबरदस्ती के मीडिया में आवेला जबरदस्ती ना। हूँ दीदिया के धर के नाता वाले गनमा का है कि तुम लोग इसी तरह से गाना गाते हो। मान लीजिए अक्षरा सिंह गेले हेल प्रोग्राम करे भैया, बिल्कुल स्टेज पे। हाँ देख ले हूँ प्रोग्राम में का होली की कोनो उनके रुपया महुआ पे मार देल। बिल्कुल, पहले कुछ फेंका गया है, पहले कुछ फेंका गया तो रुपया फेंका गया। हाँ एक मोड़ देवल जाए थे कि पवन सिंह का गाना तो ये गाना तो वो गाना। अरे भैया तुम जिसका नाम ले रहे हो ना उनको गोर छुआवे का आदत हो समझ ली कि ना। समीर चौधरी सब कोई जानता है, बिना आशीर्वाद ले लेना भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन स्टार है, मेगा स्टार है तो, उनको पैरवा छूते रहिए, शेरनी है छूती नहीं है जो भी है। अच्छी बात है, लेकिन हमारा कहना है कि जो व्यक्ति दीदी कह के प्रोग्राम में तुम बुलाते हो ऑर्गेनाइजर दीदी के मुंह पे रुपया फेंकित हो हायरे बहन ना चाहिए कैसे भाई पे पगला उगला की सब। चल एक तरफ दीदी का रहा है, दीदी के ऊपर रुपया फेंक रहा है, दीदी के नचवा रहा। मने अगर आपको दीदी शब्द जो होता है ना गरिमा वाला शब्द होता है तो मत बोलिए ना, आप डायरेक्ट नाम धर के बोलो ना कि अक्षरा हो तुम, अक्षरा जी हो तुम। इसके महत्व को समझिए, इसकी महत्व को समझिए। हाँ। दीदी जब शब्द आप किसी को करते हैं ना तो ऐसा नहीं कि वो खून से रिलेटेड हो, ब्लड से रिलेटेड, एक मुंह से जो मुंह बोली बहन। हाँ। मुंह बोली बहन जिसको कहा जाता है वो भी बहन से कम नहीं होती है। और आप दीदी कह के संबोधित कर रहे हैं और जब स्टेज पे प्रोग्राम करवा रहे हैं और जब पैसा फेंका जाता है तो वो गुस्सा होना लाजमी है, क्योंकि नचनिया नहीं ना भाई, वही एक एक्ट्रेस है, भोजपुरी की एक्ट्रेस है, पटना का नाम है। हाँ रतौल तो तू जाके भैया लेती है सोना गाड़ी से वाली बंगालियन के सस्ता में आ जाते हैं। हमारा कहना मैंने कि डांसर का एक अलग ही रुतबा है वहाँ पे, और एक सिंगर का अलग रुतबा है, और एक एक्ट्रेस का अलग रुतबा है। तो आप सिंगर एक्ट्रेस को बुलाए थे ना कि डांसर को वहाँ पे बुलाए। हमको ये बताइए कि जब एग्रीमेंट तो पहले से उठा लिया साइन होता है, लिखा रहे पवन सिंह के गनवा पे हम नाचब नहीं है, समझ ली ना। तो उनका जब अपना एक कम से कम इन लोगों को शर्म करना चाहिए। एक तरफ बेटी को बहुत ही लोग सम्मान देने का काम करते हैं, फिर बेइज्जतो करता है बीच मंच पे। हाँ और कह रहा कि 5 लाख लेती है तो ये लेती था। अरे भैया ओकरा उतना पहुंच है, उतना पहचान है तो 5 लाख ले, तोरा कहला 5,000 में बोला बहु है तोरा 2,000 हमारा कहना 2,000 रुपया में कोई ना बुलाता है। ये सब गायक को कोनो चिंता नहीं है ना, ये लोग झूठ मूठ के उनके नाम पे अभी पब्लिसिटी लूटने का काम कर रहा है। यार सोशल मीडिया क्या जैसे तनी सुन दो चार को लोग हो जाने लगा है सबके। हाँ न तो कोई सबके पहचानता भी नहीं था, कोई नहीं जानता था। हाँ। खुद न जाने और ज्यादा बोल में तो अभी हमें जब पूछे लग वो नाम हो। हाँ ये सब ऐसे उलुक गुलुक नहीं करना चाहिए जो 100 आदमी सामने खड़ा। तो हमारा कहना है चुतिया बनाने का काम कीजिएगा उन लोगों को जो चुतिया है, अब बिहार के समाज को बनाने का काम मत कीजिए आप लोग। एक तरफ महिलाओं को आप इज्जत देने का काम कर रहे हैं, इधर महिला के तू दीदी कह के निधिया घर के सबके सामने बेइज्जत करने का काम किया जाता है। समीर चौधरी ऑन कैमरा फोन लगाने जा रहा है, सबसे पहले रंजन भैया को जो पीआरओ संभालते हैं। रंजन भैया से बात हो रही है ना? रंजन भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मस्करा रिपोर्टर चैनल पे। अक्षरा सिंह जी को अभी ट्रोल किया जा रहा है, क्या आप बता पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ? देखिए अक्षरा जी को ट्रोल किया जा रहा है कि उन्होंने पवन सिंह के गाने पे परफॉर्म करने से इनकार कर दिया, ये ट्रोल किया जा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि वहाँ जो दर्शक थे, एक दो दर्शक थे, वो उनपे नोट फेंक रहे थे। अच्छा। सब कुछ का एक तरीका होता है, एक मंच की गरिमा होती है, एक कलाकार की गरिमा होती है। जब कोई चीज जब बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा तो स्वाभाविक है करेगा। हाँ हाँ। और पैसा फेंकने का भी एक तरीका होता है, पैसा भेंट करने का एक तरीका होता है। आप कहते हैं ना कि
एक जुबान होता है जो आपको पान भी खिलाता है, एक ऐसा जुबान होता है जो आपको मार भी खिला देता है। दम सही कह रहे रंजन भैया। इसी सिलसिले में समीर चौधरी लगाया आपको फोन, क्योंकि अक्षरा सिंह वो शेरनी है जो अकेले आज अपने मतलब समाज में बेटियों का एक गरीब इज्जत। आज देखिए कुछ जो तुच्छे टाइप के जो कलाकार हैं, हाँ ये जानते हैं रंजन भैया, ये रंजन भैया मेरा एक बात सुनिए, मंच की गरिमा को खत्म करते जा रहे हैं। सही बात है रंजन भैया, ये सब वो गायक है जे की दीदिया के धड़ के नाता जो गनवा नहीं, सब गंदा गंदा यही सब गायक हुआ, कोई चीन है एक निके हो आए। आपको बताए ना कि कुछ लोग है जो मतलब मंच की गरिमा को समाप्त करते जा रहे हैं। सही बात है। अक्षरा सिंह जी को फोन लगाया लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा रंजन जी। अक्षरा सिंह जी को फोन लगाने की लगातार हम लोग भी कोशिश कर, वो अभी रांची से जमशेदपुर के रास्ते में है, हो सकता है कहीं नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा इस कारण नहीं लग रहा होगा फोन। उनसे बात हमारी कब होगी? कल उनका जमशेदपुर में कार्यक्रम है और कल शाम तक लौटे या नहीं तो फिर परसों सुबह लौटे, तब आराम से आप लोगों की मुलाकात भी हो जाएगी, बात भी हो जाएगी। चलिए बहुत ठीक रंजन भैया। तो अभी आप सुन रहे थे, ये थे भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे नंबर वन पीआरओ रंजन सिंह का नाम है, रंजन है। और रंजन भैया एक्चुअली हम टाइटल इनको नहीं दे रहे हैं क्योंकि रंजन भैया समझे कि भोजपुरी के बहुत बड़े बड़े पुराने भी अब मतलब भैया इनका बोले के बाद में रंजन भैया आज मतलब जो व्यक्ति, और ये काफी अक्षरा सिंह के क्लोज है और देखे इन्होंने साफ तौर पर इनका कहना है कि जो लगातार ट्रोल किया जा रहा है वो बेबुनियाद तरीके से किया जा रहा है, गलत तरीके से किया जा रहा है। पवन सिंह के गाने को लेकर नहीं हुआ विवाद नहीं हुआ। एक बार और जो व्यक्ति अभी जैसे वो लड़का जो भी कोई उछल उछल के बोल रहा है कि स्टेज का गरिमा जिस प्रकार इन्होंने, अरे भैया जखनी तू लड़की के धर धर के नाचते हो जखनी तो गलत गलत फीलिंग्स जगता होगा तखनी तोरा ना स्टेज वा के गरिमा दिखता है, तखनी नहीं इज्जत दिखता होगा। इसब ऐसा लैकन है, ऐसा ही सब गायक है ना जो कि दीदी के नाम धर के और जो भीतरे भीतरे माल खाने के फेरा में तुम लोग लगे हुए हो, सब जान रहा है, ऐसा बोले के बात नहीं, लेकिन ये सब झूठ मूठ के किसी के कहने पे ट्रोल कर रहा है, अक्षरा सिंह को परेशान कर रहा है। बिल्कुल, हम लोग जो है जिन्हें परेशान किया जाएगा और जिन्हें ट्रोल किया जाएगा हम उनके साथ हैं, और जो विरोधियों को लगातार जवाब मिलता रहेगा। कैसा लगा वीडियो प्रतिक्रिया जरूर दे, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। और हाँ एक बात कि आने वाले कुछ वीडियो में अभी एक से दो दिन के अंदर अक्षरा सिंह जी लाइव वीडियो में आप लोगों को दिखेंगे और लाइव बात करेगा समीर चौधरी लाठी के साथ। जय हिंद जय बिहार।